मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेहतर समन्वय से विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बेहतरी के लिए अलग से पॉलिसी बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर नीति आयोग की टीम के साथ बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संघीय ढांचा होने के नाते केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास की गति को तेज करने के साथ नई दिशा दी जा सकती है। इससे जुड़ी योजनाओं और नीतियों के निर्माण और निर्धारण में नीति आयोग की अहम भूमिका है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़े मसलों पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। राज्य के पास सीमित संसाधन। बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के पास सीमित संसाधन है, लेकिन चुनौतियां कई हैं। ऐसे में राज्य सरकार की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार को सहयोग करने की जरूरत है, ताकि इन चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की समस्याओं को समझते हुए उसी के हिसाब से नीति और कार्य योजना बनाई जाए, ताकि विकास को गति और नई दिशा मिल सके। खनिजों के मामले में धनी है झारखंड। उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिजों के मामले में काफी धनी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज बहुत तायात में है। यहाँ से यह खनिज दूसरे राज्यों और विदेशों में भेजा जाता है, जहाँ उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर खनिज यहाँ है तो उससे आधारित प्रोजेक्ट भी यहीं स्थापित किया जाना चाहिए। इससे राज्य के विकास के साथ यहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रयास शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के खनन क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं हैं। यहाँ रहने वाले लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में इन इलाकों पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक सर्वे समय समय पर किया जाना चाहिए। इस सर्वे से पता चल सकेगा कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बहुल राज्य है, लेकिन वे पिछड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों को आगे बढ़ाने का मौका मिले, इसके लिए उन्हें केंद्र से भी पूरा सपोर्ट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाए, ताकि उनके विकास से जुड़ी कार्य योजना बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सके। जल संचयन को बढ़ावा मिले। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना होगा। वाटर रिजर्वायर को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर ठोस पहल करनी होगी, ताकि जल संचयन को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने पलामू पाइपलाइन इरिगेशन प्रोग्राम को लेकर भी अपने सुझाव दिए। वहीं राज्य में NHAI की ओर से बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों में गुणवत्ता की कमी होने पर नाराजगी जताई और कहा कि सड़कों को बनाने में क्वालिटी का पूरा ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरी दर में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। नीति आयोग ने राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध और समन्वय बनाने की दिशा में नीति आयोग एक कड़ी का काम कर रही है। झारखंड सरकार के साथ हुई बैठक अहम रही, जिसमें विकास से संबंधित मसलों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। इससे केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई गतिरोध है तो उसके समाधान में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग जो भी पॉलिसी बनाती है, उसमें मंत्रालय के साथ विस्तार से विचार विमर्श होता है। वहीं सरकार की नीतियों और योजनाओं की मॉनिटरिंग तथा वैल्यूएशन के लिए भी कई इंस्टीट्यूट है। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्यों को मजबूत बनाने के साथ नया भारत बनाना है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई। उन्होंने कोरोना काल में राज्य सरकार के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ की। 22 विभागों के प्रस्ताव और इश्यूज पर हुई चर्चा। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि राज्य सरकार के 22 विभागों ने अपने प्रस्ताव और इश्यूज से अवगत कराया था। इन्हें सभी पर केंद्र सरकार का भी रिस्पॉन्स मिला है। और हमारी तरफ से हम लोगों ने राज्य के जो प्रमुख विषय हैं, विषय तो अनेकों हैं, लेकिन जो मुख्य विषय हैं उन विषयों को हम लोगों ने रखा। 20-22 विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि DBC के द्वारा हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड से पैसे काटे जा रहे हैं, इस विषय को रखा गया है। लगभग 2800 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार ने हमारा साथ लिया है और अभी 2200 करोड़ रुपए और भी काटे जाने की बात है। इस विषय पर भी अपनी बातें रखी गई है। लगभग 1100 करोड़ रुपए अभी हाल में बहुत जल्द दिसंबर के ये में काटने की सूचनाएं प्राप्त है। इस विषय पर आगे का समाधान एबीसी को लेकर जब तक ना निकले, इस विषय पर तब तक इस पैसे का काटना केंद्र सरकार बंद करे, ये आग्रह हम लोगों ने किया। कई विषयों पर नीति आयोग में बात रखने की बात कही गई है। मंत्रालयों के साथ बात करने की बात कही गई है। कुछ विषयों में नीति आयोग एक मीटिंग आयोजित करेंगे जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि रहेगा और जो उलझी हुई चीजें हैं उनको सुलझाएगा। सर, नक्सल प्रभावित इलाकों पर लेकर चर्चा? हाँ, उस विषय पर भी चर्चा हुई है। उस विषय पर भी हम लोगों ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस तरीके से अभी लोगों ने जो 13 जिले थे, 13 जिले से काट कर 8 जिले कर दिए हैं, उसको हम लोगों ने बढ़ाने का आग्रह किया है। और जो लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो भारत सरकार की तरफ से जो राशि प्राप्त हो रही थी उसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है और बड़े पैमाने पर उन सब क्षेत्रों से नक्सलों को नक्सली गतिविधि में कमी आई है। हमने कहा है कि इस योजना को जारी रखा जाए और हमारे जिले को ना घटाया जाए और कम से कम 2 साल और इस योजना पर चलाया जाए। सर, जीएसटी को लेकर कोई बात नहीं है क्या? जीएसटी को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। जीएसटी को लेकर के भी बात रखी गई है लेकिन अभी कानपुर में जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होने जा रही है। इन्होंने आश्वस्त किया है कि उस मीटिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निर्णय आएगा, क्योंकि जीएसटी में अभी भी हम लोग को लगभग 1800-1900 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार में है जहाँ से हमें प्राप्त होना है। अब कुछ दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, हम उसका इंतजार करेंगे, देखते हैं उसमें हमें क्या।